और मैं दिल्ली कमीशन में मेंबर हूँ, GCPCR, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जहाँ पे बाल अधिकार के को लेके, बाल अधिकार का कहीं पे भी हनन होता है तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और बेसिकली मैं पॉक्सो डिवीजन देखती हूँ, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जहाँ पे बच्चों के साथ अगर कहीं भी किसी भी तरह की सोशल इविल्स और कोई भी तरह का अब्यूज़ हो रहा है तो उस पर हम लोग एक्शन लेते हैं। वी आर द एक्चुअली मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ द कमीशन। ओके, मैं उसके थोड़ा सा, मैंने पहले सोचा कि इसको समझा दूँ कि ना जाए, लेकिन मुझे पता था कि ये मतलब ऐसी इसकी नाराज़गी, अब किसी ने देख लिया तो ये ऐसे, तो फिर मैं थोड़ा सा रुकी। तो मुझे लगा कि देखो, सोसाइटी में हम पढ़े लिखे लोग भी, मतलब बहुत दुख होता है कभी कभी हमें इन चीज़ों से, कि मतलब हमें इतना कि सामने हम अत्याचार देख रहे हैं, बच्चों के अधिकारों का आनंद देख रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। और जबकि हम जब जाते हैं मीटिंग्स में कहीं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। तो यही एक चीज मेरी थी कि आप लोग ये नहीं सोचो कि मैं क्यों बोलूंगी, मैं बोलूंगी, मेरा जितना अधिकार है, अपने अधिकार से ज्यादा भी नहीं बोलिए, लेकिन आपका जितना अधिकार है तो बोलिए। मुझे भी था कि वो पिए हुए था, मुझे भी था, वो मेरे साथ भी कुछ, मेरा बेटा भी था मेरे साथ में, मुझे भी थोड़ा सा डर था अंदर से कि कहीं ये मेरे से कुछ गलत तरीके से ना बोल दे, या मेरे से कुछ ऐसा ना बोल दे जो मुझे हर्ट करे। बट मैं आगे बढ़ी, मैंने थोड़ा सा बोला, लेकिन मुझे पता था कि अपनी हद में रहना है। मैंने उससे यही बोला कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, और एक लेडी पे मेरे सामने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। दो चीजें बोली, उसके बाद मैं चली आई, उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर आगे वो करता तो उसके लिए मैं एक्शन भी ले लेती। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।